वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यानी SSB-SC के डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे और उसके बाद यह देखेंगे कि SSB-SC में क्या प्रॉब्लम आया, क्या इश्यू आया कि उसके बाद हमें VSB यानी वेस्टिजियल साइड बैंड की तरफ जाना पड़ा। उसके बाद वेस्टिजियल साइड बैंड को इन ब्रीफ पढ़ेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एंड इन्वेलप कॉम्प्लेक्स इन्वेलप निकालना सीखेंगे क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके गेट के एग्जाम के हिसाब से, इनसे आपसे कई सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने SSB-SC के मॉड्यूलेशन देखा था, हमने दो टाइप के मॉड्यूलेटर्स देखे थे, एक आपका फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और दूसरा आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। अगर डीमॉड्यूलेशन की बात करें तो हमेशा की तरह जैसा हमने DSB फुल कैरियर DSB सप्रेस्ड कैरियर में सीखा है, कोहेरेंट डिटेक्टर यानी सिंक्रोनस डिटेक्टर जो हमने पढ़ा था उसी डिटेक्टर को यहाँ भी यूज़ करना है। सेम डिटेक्टर यहाँ भी काम कर जाएगा SSB-SC के डीमॉड्यूलेशन के केस में। तो क्या होता है डिटेक्टर, यानी क्योंकि हम डीमॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे हैं तो इनपुट पे हमारा SSB सिग्नल आएगा, तो इनपुट पे SSB सिग्नल आएगा, ये एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होगा, एक लोकल ऑसिलेटर AC cos 2πfct जनरेट होगा और क्योंकि हम डीमॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे हैं यानी आउटपुट में मैसेज सिग्नल होगा, इसीलिए एक लो पास फिल्टर हमारा आउटपुट पे रहेगा, आउटपुट पे हमारा मैसेज आ जाएगा। तो एक बार मैथमेटिकली एनालाइज करके देख लेते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि SSB का जो इक्वेशन है वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, AC MT/2 cos 2πfct माइनस प्लस AC MT/2 sin 2πfct। यहाँ पे MT आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बराबर है, मैसेज सिग्नल का 90° फेज शिफ्टेड सिग्नल और cos 2πfct और sin 2πfct से ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, sin 2πfct cos 2πfct का 90° फेज शिफ्टेड है। हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था कि अगर हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे तो ये अपर साइड बैंड और अगर प्लस यूज करेंगे तो ये लोअर साइड बैंड को सिग्निफाई करता है, यह हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो यह SSB सिग्नल जो हुआ वो आपके मल्टीप्लायर के इनपुट पे आया और ऑसिलेटर जो हमने सबसे पहले मानते हैं विदाउट एनी फेज शिफ्ट वाला, यानी AC cos 2πfct हमने ऑसिलेटर से माना कि जनरेट हुआ हमारा कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लायर का आउटपुट देखेंगे, मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा, CT × SSB(T) यानी अगर मैं मल्टीप्लायर का आउटपुट देखूं तो DSB(T) हो जाएगा। उसको DSB क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे यहाँ DSB लिखना सही नहीं है, इसे SOFT ही लिखिए, तो SOFT विल बी इक्वल टू AC × AC AC² MT/2 cos² 2πfct। पहला cos 2πfct × cos 2πfct cos² θ को 1+cos 2θ लिख सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ लिख दिया 1+cos 4πfct/2 −AC² MT/2। अब यहाँ देखो sin 2πfct × cos 2πfct यानी कुछ इस फॉर्मूले का है, sin θ cos θ, और हम जानते हैं कि 2 sin θ cos θ अगर रहे तो ये sin 2θ के बराबर हो जाता है, यानी 2 sin 2πfct × cos 2πfct विल बी इक्वल टू sin 4πfct। तो वही यहाँ लिख दिया है sin 4πfct और क्योंकि 2 पहले से अवेलेबल नहीं था इसीलिए 2 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 4 आ गया। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन का आउटपुट। अब इसके बाद लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा, लो पास फिल्टर जो है वो क्या काम करेगा, जो भी मैसेज सिग्नल उसके इनपुट पे −FM और +FM के बीच में लाई करेगा उसको पास करेगा, बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देगा। तो बताओ यहां से दो सिग्नल बनेंगे, एक बनेगा AC²MT/2 AC²MT/4 और दूसरा बनेगा AC²MT/4 × cos 4πfct। तो cos 4πfct वाला तो +2fc पे सेंटर होगा, 2fc − FM से 2fc + FM, उसको लो पास फिल्टर रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली ये sin 4πfct वाला भी आपका +2fc − FM से +2fc + FM पे लाई करेगा, इसे भी रिजेक्ट कर देगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट सिंपल सा AC²MT/4 यानी कि मैसेज सिग्नल विद सम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं एक एम्पलीफायर से पास करके, तो हमारा जो आउटपुट आया वो आपका मैसेज सिग्नल आ गया M(T) के बराबर में। तो ये हो गया हमारा कोहेरेंट डिटेक्टर यानी सिंक्रोनस डिटेक्टर। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर से हम आपका SSB सिग्नल को काफी आसानी से वापस पा सकते हैं। अब सिंक्रोनस डिटेक्टर में एक इशू आता था, इशू क्या था, इशू था क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, यानी
अगर हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसका फेज शिफ्ट कोई फाई अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो आउटपुट जीरो हो जाता है। तो एक बार यहाँ पे चेक करते हैं क्या एसएसबी में भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है या नहीं। अभी तक हमने देखा डबल साइडमेंट फुल कैरियर और डबल साइडमेंट सप्रेस्ड कैरियर, इन दोनों में तो क्यू एन ई होता ही होता है, एसएसबी में होता है कि नहीं जरा इसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारा मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन बस ये हो जाएगा कि जो कैरियर सिग्नल है वो अब ए कॉस टू पाई एफ सी टी न होके ए कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाई, एक फेज टर्म फाई ऐड कर दूंगा। तो यहाँ जो मल्टीप्लायर सिग्नल है वहां कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां कॉस ए इंटू कॉस बी लग जाएगा। तो यहाँ पे जो सिग्नल आ जाएगा वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर एम टी कॉस ए माइनस बी, दैट इज कॉस टू पाई एफ सी टी माइनस टू पाई एफ सी टी प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस फोर पाई एफ सी टी प्लस फाई। सिमिलरली साइन ए और कॉस बी है तो वहां पे भी आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, सो दैट विल बिकम साइन फोर पाई एफ सी टी प्लस फाई माइनस साइन फाई होल डिवाइडेड बाई फोर, क्योंकि इनको टू का फैक्टर चाहिए रहता है। तो यहां तक हमने अपना, इसको फिर से डीएसबी मत लिखिए, यहां तक हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर सिग्नल का आउटपुट देख लिया। अब इस मल्टीप्लायर सिग्नल से हमें देखना है कि लो पास फिल्टर किसको पास करने वाला है। तो सबसे पहले इस पार्ट को तो पास कर ही देगा, ए सी स्क्वायर एम टी कॉस फाइव बाई फोर, कॉस फाइव यहाँ पे आपका एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि फेज शिफ्ट फाई एक बार लोकल ऑसिलेटर ने जनरेट कर दिया तब तो वो फिक्स हो गया कि इतना फेज शिफ्ट दे रहा है। तो कॉस फाई आपका कुछ नहीं, एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ए सी स्क्वायर एम टी इंटू कॉस फाइव बाई फोर तो हमारा आउटपुट आ गया। अब ये कॉस फोर पाई एफ सी टी प्लस फाइव नहीं आएगा आउटपुट, क्योंकि वो प्लस टू एफ सी माइनस एफ एम से प्लस टू एफ सी प्लस एफ एम पे लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपका एम कैप टी मल्टीप्लाइड बाई साइन फोर पाई एफ सी टी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो भी टू एफ सी माइनस एफ एम से टू एफ सी प्लस एफ एम पे लाई करेगा। मगर ए सी स्क्वायर एम कैप टी मल्टीप्लाइड बाई साइन फाइव यह तो आउटपुट में आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि साइन फाइव भी कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और अगर हम इसकी भी बात करें तो माइनस प्लस वापस से प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर साइन फाइव बाई फोर, ये आपका एक एम्पलीट्यूड हो गया। और एम कैप टी क्या है, एम कैप टी आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है। अब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, वो आपका फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंजेस नहीं करता। यानी एम टी अगर आपका माइनस एफ एम से प्लस एफ एम के बीच में लाई कर रहा है तो एम कैप टी भी तो माइनस एफ एम से प्लस एफ एम के बीच में ही लाई करेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो आउटपुट आएगा लो पास फिल्टर का वो आएगा ए सी स्क्वायर एम टी बाई फोर कॉस फाइव प्लस माइनस ए सी स्क्वायर एम कैप टी बाई फोर साइन फाइव के बराबर में। अब यहां पे देखो जरा क्या क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो सकता है। मान लो मैंने फाइव की वैल्यू 90 डिग्री रख दिया, अगर मैंने फाइव की वैल्यू 90 डिग्री रख दिया तो कॉस फाइव के चलते ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, मगर यह टर्म तो साइन फाइव के चलते वन एज इट इज आ जाएगा ना। यानी हमारा आउटपुट 90 डिग्री, अगर फेज शिफ्ट हमारा 90 डिग्री है तो भी हमारा आउटपुट आपका आ ही जाएगा, ए सी स्क्वायर एम कैप टी बाई फोर होगा। और अगर फाई की वैल्यू जीरो डिग्री है तो साइन फाई वाला जीरो हो जाएगा, कॉस फाई वाला आ जाएगा। यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमारा जो आउटपुट होगा, हमारा जो आउटपुट होगा ये अभी आपका एम ऑफ टी बन जाएगा, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आपका अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एक कुछ ना कुछ तो वहां प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, या कॉस फाई से मल्टीप्लाई करके या तो साइन फाई से मल्टीप्लाई करके, कंप्लीट जीरो नहीं होगा। इट मीन्स यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस इन एसएसबी डीमोडुलेशन। एसएसबी एससी के डीमोडुलेशन में कोहेरेंट डिटेक्टर जब हम यूज करते हैं तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एसएसबी एससी का। तो चलिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने आपका एसएसबी एससी का इक्वेशन देख लिया, उसका स्पेक्ट्रम देख लिया, पावर और बैंडविड्थ का कैलकुलेशन देख लिया, मॉड्यूलेटर पढ़ लिया, डीमॉड्यूलेटर पढ़ लिया, और देखा कि एसएसबी एससी का बैंडविड्थ भी कम है सिर्फ एफएम, और एसएसबी एससी का बैंडविड्थ भी कम है और इसका पावर भी आपका सबसे कम से कम है, क्योंकि आधा ही बैंडविड्थ भेज रहे हैं तो पावर तो आधा साइडबैंड के बराबर ही लगेगा। तो यहां तक तो मुझे को एसएसबी एससी में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा। अब एसएसबी एससी में भी एक ड्रॉबैक आया और उस ड्रॉबैक के चलते हम इसके बाद गए वीएसबी में, यानी वेस्टिजियल साइड बैंड में।
तो ड्रॉबैक क्या है पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आपका वीएसबी में। चलिए तो ड्रॉबैक समझने के लिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एक एसएसबी एससी सिग्नल को डीमोडुलेट वापस पाना चाहते हैं। तो अगर मान लो मैं आपका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड यूज करता हूं, तो ये हमारा एक डीएसबी सिग्नल है जो आपका माइनस एफसी माइनस एफएम से एफसी प्लस एफएम के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर मैं यहां से चाहता हूं एक एसएसबी सिग्नल पाना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लो पास फिल्टर, एक बैंड पास फिल्टर इसके ऊपर में डिजाइन करूंगा। अब अगर मैं एलएसबी चाहता हूं तो बैंड पास फिल्टर आपका लोअर साइड बैंड को कवर करेगा, जैसा कि यहां कर रहा एफसी माइनस एफ से एफसी के बीच में। तो ये बैंड पास फिल्टर क्या कर रहा है, एफ सी माइनस एफ से एफ के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उनको पास कर रहा है, बाकी सारे को स्टॉप कर दे रहा है। तो आइडियली हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यह हम चाहते हैं कि लोअर साइड बैंड कुछ इस तरीके का आए, या अगर अपर साइड बैंड के लिए बैंड पास फिल्टर यूज करते तो अपर साइड बैंड में सिर्फ ये दोनों लाइंस आते। ये हमारी आइडियल रिक्वायरमेंट है, और यह तब पॉसिबल होता अगर यह जो बैंड पास फिल्टर हम ले रहे हैं वो एग्जैक्ट इसी तरीके का होता, यानी उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एफ सी और एफ सी माइनस एफ पे होता, एफ सी से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ज्यादा वो पास नहीं करता और थोड़ा सा भी एफ सी माइनस एफ से कम पास नहीं करता, तब एग्जैक्ट हमारा यह आउटपुट होता, इन दोनों के बीच में आउटपुट वन देता। मगर क्या आइडियल फिल्टर डिजाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो जी नहीं, आप प्रैक्टिकली आइडियल फिल्टर डिजाइन नहीं कर सकते। यानी आप कुछ भी कर लो, आपका जो फिल्टर एक्चुअली आप डिजाइन करोगे उसमें कुछ ना कुछ उसका राइज टाइम होगा और कुछ ना कुछ फॉल टाइम होगा। यहाँ पे जैसा कि हमने देख लिया, इसका राइज टाइम, इसको इतना टाइम लग गया पीक वैल्यू पे आने पे, और पीक वैल्यू से जीरो आने पे भी इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। तो कुछ ना कुछ राइज टाइम और कुछ ना कुछ फॉल टाइम होना ही होना है। अब इस राइज टाइम और फॉल टाइम से प्रॉब्लम क्या होगा जरा सोचो। देखो, इनिशियली हम चाहते थे हमारा आउटपुट जो हो वो कुछ इस तरीके का हो, फिल्टर का आउटपुट कुछ इस तरीके का हो। ये तब होता अगर हमारा फिल्टर जो है वो आइडियल होता, मगर क्योंकि हमारा फिल्टर आइडियल नहीं है, क्योंकि हमारा फिल्टर आइडियल नहीं है, तो हमारा फिल्टर हमने एजम्पशन के लिए मान लिया कि इस तरीके का हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर है, यानी इस रेंज में एफ सी से लेके इस रेंज में उसकी वैल्यू वन है और बाकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें ये वाला लाइन तो आएगा, मगर साथ में ये पोर्शन भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फिल्टर का रिस्पांस कंप्लीट जीरो नहीं हो रहा। तो हमारा जो रिस्पांस है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ ही जाएगा कुछ भी कर लो। तो ये जो है ये एक नॉइस की तरह काम कर रहा है। अब आप बोल सकते हो, चलो सर एक्स्ट्रा आ गया तो आ गया, क्या दिक्कत है, हमारा इन्फॉर्मेशन तो ये जो साइड बैंड है, यहाँ पे मैं अपर साइड बैंड कंसिडर कर रहा हूँ, तो अपर साइड बैंड में हमारा इन्फॉर्मेशन तो आ ही चुका है, तो हम इन्फॉर्मेशन यहीं से रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये जो एक्स्ट्रा आया है उसको रहने देंगे एज इट इज, क्या दिक्कत है हमें, क्या दिक्कत होगा जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने यह मान लिया कि जनरेशन के वक्त हमारा जो फिल्टर था बैंड पास फिल्टर वो आइडियल नहीं था, तो आइडियल नहीं होने के चलते कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट, एक्स्ट्रा को हम वेस्टिजियल कहते हैं, जो चीज रिक्वायर्ड नहीं होता है तो उसको हम वेस्टिजियल कहते हैं। तो एक एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन आ रहा है हमारे स्पेक्ट्रम में, एक वेस्टिजियल पार्ट आ रहा है, और इसको हमने ट्रांसमिट कर दिया इसके साथ ही। अब जैसे ही मैंने इसको इसके साथ ट्रांसमिट किया, तो हमारे को डिमोड्यूलेशन में क्या दिक्कत होगा जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए डिमोड्यूलेशन में होता क्या था, आइडियली हमारा जो फिल्टर का जो एसएसबी हम मॉड्यूलेट करके भेजते थे वो एफसी से एफसी प्लस एफ होता था अपर साइड बैंड के लिए, और अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो माइनस एफसी से माइनस एफसी माइनस एफ होता था। तो जब मैं इसको डीमोडुलेट करता था, यानी डीमोडुलेशन को इन अदर वर्ड्स इनके फ्रीक्वेंसी में से एफसी घटा देता था, तो इसको उठा के यहां लाता था, एफसी माइनस एफसी जीरो हो गया और एफसी प्लस एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो हो गया। सिमिलरली यहां पे एफसी ऐड कर देता था तो हमारा मैसेज सिग्नल आ जाता था। ये हमारा आइडियल केस था जब हमारा जो मॉड्यूलेटेड एसएसबी सिग्नल था वो परफेक्ट हुआ करता था ड्यू टू आइडियल फिल्टर। बट राइट नाउ ड्यू टू प्रैक्टिकल फिल्टर हमारा जो मॉड्यूलेटेड एसएसबी सिग्नल है उसमें थोड़ा सा वेस्टिजियल साइड बैंड है,
जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा वेस्टिजियल साइड बेंड है। तो अगर ये सिग्नल आता है हमारे डीएसबी डीमोडुलेटर के पास तो क्या होगा? अब इसको मैं क्या करूंगा, इस पूरे सिग्नल में से एफसी घटाऊंगा और इस पूरे से सिग्नल में एफसी जोड़ूंगा। तो ये चीज जो हो गया, ये पार्ट आपका ये ब्लू वाला कर रहा है, जीरो से ओवरशूट कर जाएगा। सिमिलरली ये पार्ट भी अगर आप देखो तो ओवरशूट कर जाएगा जीरो से ऊपर, क्योंकि एफ सी तक तो ये जीरो पहुंच गया। एफ सी से एफ सी प्लस एफ तक में ये लाइन आया, और एफ सी माइनस एफ के बीच में जो पार्ट है वो ये ओवरशूटेड पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे ये ओवरशूटेड पार्ट है। तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा? हमारा रिजल्ट तो इन दोनों का एडिशन होगा। तो फाइनल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहां तक तो हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, ये पोर्शन हमारा सही है, मगर ये जो बीच वाला पोर्शन है लो फ्रिक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। पहले हम इस तरीके का आउटपुट चाहते थे मगर हमारा आउटपुट जो है वो आपका डिस्टॉर्ट हो रहा है। एग्जैक्ट जैसा हम मैसेज सिग्नल चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिल पा रहा। तो बस ये जो वेस्टिजियल साइड था, वेस्टिजियल साइड बैंड था, इसका यह प्रॉब्लम हुआ कि, और ये हमेशा होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमारा फिल्टर आइडियल हो ही नहीं सकता। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन था एसएसबी एससी के फेल होने का कि इसके चलते हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका आइडियल फिल्टर डिजाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने कहा, तो लोगों ने ये सोचा कि चलो हमें प्रॉब्लम हो रहा है इस वेस्टिजियल साइड बैंड के चलते, तो इस वेस्टिजियल साइड बैंड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट डिस्टॉर्टेड न आके परफेक्ट आने लगे। तो अगर मैं ऐसा कर पाऊं तब तो मैं उसे यूज कर सकता हूं ना, तो उसको हम कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड। तो वेस्टिजियल साइड बैंड क्या हुआ जरा देखो, मैसेज सिग्नल यहाँ पे मॉड्यूलेटेड, उसको किस तरीके से जेनरेट करेंगे उसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ गिवन है। मैसेज सिग्नल हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और यहाँ कैरियर सिग्नल, और इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। अब जब जैसे ही MT इनटू CT करते हैं तो क्या जनरेट हो जाता है? डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। यह तो हमने पढ़ लिया है कि मैसेज को कैरियर से मल्टीप्लाई करो और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर आपके आउटपुट पे आ जाएगा। तो यहाँ DSB-SC आ गया। अब इस DSB-SC को बैंड पास फिल्टर से ना देते हुए हमने साइड बैंड फिल्टर से पास किया। इसको स्पेशल फिल्टर नाम दिया मैंने, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर। ये फिल्टर जो है वो साइड बैंड को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर देता है और उसके बाद वो आउटपुट देता है। यानी एक वो प्रैक्टिकल की जगह, आइडियल की जगह प्रैक्टिकल फिल्टर है साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, और उस तरीके से आउटपुट देता है कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है उसमें थोड़ा सा वेस्टिजियल, यानी एक साइड बैंड तो रहता ही रहता है, दूसरे साइड बैंड का भी कुछ पार्ट रह जाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड। तो ये है ब्लॉक डायग्राम, जरा इसकी वर्किंग को समझते हैं। यहां तक तो वर्किंग आपको क्लियर होगा कि मैसेज को कैरियर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट हमारा DSB-SC हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग क्लियर हैं। साइड बैंड फिल्टर के वर्किंग को अगर हम समझ लें तो VSB का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब साइड बैंड फिल्टर क्या होता है जरा सोचते हैं, समझते हैं। ये हो गया हमारा DSB-SC सिग्नल, यानी MT into CT। MT into CT का स्पेक्ट्रम हमारा FC-FM से FC+FM। राइट नाउ मैं चाहता हूं कि हमारा जो आउटपुट आए वो आपका सिर्फ अपर साइड बैंड आए। हम लोअर साइड बैंड नहीं चाहते थे, हम सिर्फ अपर साइड बैंड चाहते थे। तो अगर मैं यहाँ पे एक SSB यूज करता, अगर मैं यहाँ पे SSB चाहता तो मैं क्या करता, मैं एक आइडियल फिल्टर यूज करता। और आइडियल फिल्टर आपका कहाँ से कहाँ तक पास करता? आइडियल फिल्टर कुछ इस तरीके का होता, FC से लेके FC+F के बीच में कुछ इस तरीके का होता। ये दोनों ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये। अभी मैं ब्लॉक का नेमिंग कर दे रहा हूं, समझने में आसानी होगी, इसीलिए इस ब्लॉक को मैं ब्लॉक ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी बोल रहा हूं, इसको डी बोल रहा हूं, इसको ई बोल रहा हूं, और इसके बाहर को एफ बोल रहा हूं। ठीक है, ब्लॉक वाइज जो आपका सेमी ग्रिड दिख रहा है पीछे में, तो समझाने में मुझे आसानी होगी। तो अगर मैं एक SSB यूज करता तो SSB आपका ब्लॉक सी और डी में से फ्लाई करता और एग्जैक्टली एक अपर साइड बैंड काट के दे देता। मगर अभी मैं SSB यूज ना करके मैं एक साइड बैंड शेपिंग फिल्टर यूज कर रहा हूं। अब साइड बैंड शेपिंग फिल्टर की खासियत देखो क्या है, वो कंप्लीटली सी और डी में वन नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लॉक डी में वन हो जा रहा है, ब्लॉक डी में उसकी वैल्यू वन के बराबर हो रही है।
उसके बाद सी में वो घट रहा है, एग्जैक्ट वन नहीं है वो घट रहा है, और बी में भी वो घट रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है वो घट रहा है, यानी हमने इसको कुछ राइज टाइम दे दिया, बी और सी में भी वो एग्जिस्ट कर रहा। सिमिलरली कंप्लीटली वो ई पे जीरो नहीं हो रहा, वो एफ पे और ई पे दोनों मिला के आसानी से आराम से जीरो हो रहा है, यानी कुछ फॉल टाइम भी है। यानी हमने एक प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन किया है जिसे मैं यहाँ पे साइड बेंड शेपिंग फिल्टर कह रहा हूँ। और इस साइड बेंड शेपिंग फिल्टर में कंडीशन क्या लगा रहे हैं, कंडीशन ये लगा रहे हैं कि भले ही हम अपर साइड बेंड चाहते हैं मगर कंप्लीट अपर साइड बेंड के ड्यूरेशन के लिए ये वन नहीं है, ये अपर साइड बेंड के हाफ ड्यूरेशन के लिए वन है, बाकी हाफ ड्यूरेशन में वो घट रहा है, और लोअर साइड बेंड के भी हाफ ड्यूरेशन में वो घट के जीरो हो जा रहा है। तो ये मैंने आपका एक साइड बेंड शेपिंग फिल्टर डिजाइन किया। अब जरा इस साइड बेंड शेपिंग फिल्टर से आउटपुट को पास करके देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आएगा। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, रेड लाइन हमारा एक्चुअल मैसेज सिग्नल है, ये वाला मैसेज सिग्नल। अब इसको मैंने इस साइड बेंड फिल्टर से पास करना है, तो जो हमने ए बी सी डी ई एफ नाम दिया था उसको फिर से लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। जैसा आप देख रहे हो ई और एफ में तो कोई मैसेज सिग्नल है नहीं, तो ई और एफ में जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, ई और एफ और ब्लॉक में जीरो आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्लॉक डी में, ब्लॉक डी में जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां हमारे फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल फ्लैट है, यानी जो मैसेज सिग्नल है एज इट इज हमारा आउटपुट आएगा। तो देखो एज इट इज आउटपुट आया ग्रीन लाइन। अब बात करते हैं ब्लॉक सी की, ब्लॉक सी में हमारा मैसेज सिग्नल तो इंक्रीजिंग है मगर हमारा जो साइड बैंड फिल्टर उसका गेन आपका वन से कम है, डिक्रीजिंग है, यानी जो आउटपुट आएगा वो समथिंग मल्टीप्लाइड बाई लेस देन वन, तो आउटपुट आपका डिक्रीजिंग होगा। तो यहां हमने आउटपुट को डीके करते हुए दिखाया। सिमिलरली ब्लॉक बी में अगर आप देखो तो मैसेज सिग्नल फिर से हमारा डिकेइंग है और हमारा जो फिल्टर है उसका रिस्पॉन्स भी डिकेइंग है, तो हमारा आउटपुट भी जो होगा वो आपका डिकेइंग ही आएगा। तो जो हम चाहते थे एक्चुअली आइडियली कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आए सिर्फ ब्लॉक सी और ब्लॉक डी में रहे बाकी जगह न रहे, वैसा न होते हुए हमारा आउटपुट अभी कैसा आ रहा है, ब्लॉक डी में आ रहा है, सी में आ रहा है, बी में आ रहा है, मगर बी और सी में वो डिकेइंग आ रहा है। तो अब इसके बाद ये हमारा ये पॉजिटिव साइड है, सिमिलरली हमारा नेगेटिव साइड हो गया। तो हम जो ट्रांसमिट करेंगे अब ये ग्रीन वाला पार्ट ट्रांसमिट करेंगे, ये हमारा एसएसबी हो गया। तो ट्रांसमिट हमने ग्रीन वाला कर दिया, तो अब इसको मॉड्यूलेट करके इसको डीमॉड्यूलेट करके देखते हैं कि क्या ये ग्रीन वाला पोर्शन से ट्रांसमिट करने से हमारा जो इश्यू आ रहा था लोअर फ्रीक्वेंसी पे डिस्टॉर्शन का वो सॉर्ट आउट हो गया क्या, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ग्रीन वाले को अब मैं क्या करूंगा, डीमॉड्यूलेट करने के वक्त इसको वापस में लेके आ जाऊंगा जीरो फ्रीक्वेंसी पे, सिमिलरली इसको भी वापस लेके आऊंगा। तो ये आपका एफ सी नहीं माइनस एफ एम है और ये प्लस एफ एम है। तो मैंने इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है और इसको मैंने ग्रीन के ग्रीन कलर से ही रहने दिया है। तो देखो जरा दो ब्लॉक, ये जो दो ब्लॉक हैं ब्लॉक सी डी और इस साइड के जो दो ब्लॉक हैं इनको बोल रहा हूं ब्लॉक सी डैश डी डैश। हमारा आउटपुट तीन ब्लॉक में आएगा, सी डैश डी डैश ई डैश में, और इसको भी ई बोल देते हैं, तो सी डी और ई में, ये तीन में हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको 1 2 3 कर देते हैं, इसको ए बी सी कर देते हैं, ठीक है, इसको ए बी सी कर देते हैं और इसको 1 2 3 कर देते हैं, इधर से 1 2 3। तो हमारा आउटपुट जो है वो तीन ब्लॉक में आना चाहिए, इधर से 1 2 3 और इधर से ए बी सी। जब मैं इसको ट्रांसमिट भी कर जब मैं इसको वापस डीमॉड्यूलेट भी करूंगा तो शेप तो चेंज नहीं होता है, बस आपका लोकेशन फ्रिक्वेंसी का चेंज हो जाता है। यानी अगर मैं इसको ब्लॉक थ्री मान रहा हूं तो ये ब्लॉक टू हो जाएगा, ये ब्लॉक वन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, चेक कीजिए दोनों सेम है। सिमिलरली अगर मैं इसको ब्लॉक सी मान रहा हूं तो ये येलो वाले के लिए, अगर मैं इसको ब्लॉक सी मान रहा हूं तो ये ब्लॉक बी होगा और ये ब्लॉक ए हो जाएगा। अब जरा देखो ये हमारा डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब ब्लॉक सी में और ब्लॉक थ्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ब्लॉक टू और ए का जो आउटपुट है वो दोनों एड हो जाएगा, यहां पर डिकेइंग है यहां पर इंक्रीजिंग है। सिमिलरली ब्लॉक वन और बी का आउटपुट ऐड हो जाएगा,
यहाँ पे डिकेइंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट जो आपका रिक्वायर्ड मैसेज सिग्नल है उसके बराबर ही आएगा। यहाँ पे जो पार्ट ये येलो वाला लूज कर रहा था, सेम पार्ट ग्रीन वाले ने प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे ये पार्ट जो ग्रीन वाला लूज कर रहा था, सेम पार्ट येलो वाले ने प्रोवाइड कर दिया। यानी क्या, ये जो वेस्टिजियल साइड बैंड है, यानी अपर साइड बैंड के अलावा लोअर साइड बैंड में से जो मैंने थोड़ा सा पार्ट निकाला, जिसको हम वेस्टिजियल साइड बैंड कह रहे हैं, उसने इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया, तो इसको कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, वीएसबी मॉड्यूलेशन। तो वीएसबी मॉड्यूलेशन आपका क्या हुआ? वीएसबी मॉड्यूलेशन आपका एसएसबी मॉड्यूलेशन का ही एक पार्ट एक्स्ट्रा हुआ। एसएसबी मॉड्यूलेशन में जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था कि आइडियल फिल्टर की जरूरत थी, उस प्रॉब्लम को वीएसबी मॉड्यूलेशन ने ओवरकम कर लिया। किस तरीके से ओवरकम किया? तो साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, जो कि एक प्रैक्टिकल फिल्टर होता है, जिसका कुछ फिक्स अमाउंट में राइज टाइम और फॉल टाइम होता है, उसको बस हमें डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल। वैसा डिजाइन किया हमने, और यहां मैंने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा मैसेज सिग्नल ही आएगा। तो ये होता है आपका वीएसबी, और इसको जनरली हम यूज करते हैं टेलीविजन ट्रांसमिशन में। जो टेलीविजन पे ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको वो आपका वीएसबी मॉड्यूलेटेड होता है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। अब वीएसबी में इतने डिटेल में इसका इक्वेशन लिखना, इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करना, ये सब नहीं पूछा जाता, ये आपको अभी जरूरत भी नहीं है, तो उतना ज्यादा हम नहीं जाते हैं, ठीक है। अब मैं बस एक ओवरऑल कंपैरिजन करना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के टर्म में। सबसे पहला बैंडविड्थ। अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था डबल साइड बैंड फुल कैरियर, इसका बैंडविड्थ होता था 2 FM। उसके बाद हमने आया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इसका बैंडविड्थ इसके बराबर रहा, 2 FM के बराबर। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। यहां हमने देखा कि इसका बैंडविड्थ FM होता है, और अभी मैंने पढ़ा वेस्टिजियल साइड बैंड। तो सोचिए, क्या वेस्टिजियल साइड बैंड का बैंडविड्थ FM से बड़ा होगा या FM से छोटा होगा? पक्की बात है, FM से थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हमने कुछ वेस्टिजियल साइड बैंड एक्स्ट्रा दूसरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आउटपुट पे अपर साइड बैंड चाहता हूं, तो लोअर साइड बैंड में से भी मैंने कुछ पार्ट निकाला और उसके बाद फिल्टर को डिजाइन किया। यानी सबसे कम बैंडविड्थ किसका होता है? तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, द लीस्ट बैंडविड्थ इज विथ एसएसबी एससी सिग्नल। एसएसबी एससी सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है वो आपका सबसे कम होता है। सिमिलरली, अब मान लो मैं पावर की बात करता हूं। अगर मैं पावर की बात करूं, तो डबल साइड बैंड फुल कैरियर में हमारे पास पावर होते थे कैरियर में, अपर साइड बैंड में, अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड में, तीन कंपोनेंट में पावर होते थे। अगर डीएसबी एससी की बात करूं, तो कैरियर का पावर हमने छुपा दिया था, हटा दिया था, तो दो ही पावर आए थे, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। और अगर एसएसबी की बात करें, तो एसएसबी में भी आपका सिर्फ एक ही, या तो अपर साइड बैंड या तो लोअर साइड बैंड, कैरियर तो हट ही गया था, दोनों में से एक साइड बैंड भी हटाया था, तो पावर या तो अपर साइड बैंड में था या तो लोअर साइड बैंड में था। और अगर मैं वेस्टिजियल की बात करूं, तो क्या वेस्टिजियल में सिंगल साइड बैंड से कम पावर होगा या ज्यादा पावर होगा? देखिए, एक साइड बैंड के अलावा दूसरे साइड बैंड में से भी थोड़ा सा भेज रहे हैं, यानी अपर साइड बैंड का पावर, फॉर एग्जाम्पल मैं अपर साइड बैंड भेजने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपर साइड बैंड में जितना पावर होता है उतना तो होगा ही होगा, प्लस कुछ पार्ट और होगा। तो अगर बोला जाए सबसे कम पावर भी किसमें कंज्यूम होता है, तो सबसे कम पावर भी आपका एसएसबी एससी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में ही कंज्यूम होता है। तो बैंडविड्थ और पावर के हिसाब से बोला जाए, तो सबसे एफिशिएंट जो आपका मॉड्यूलेशन हुआ एएम के केस में, वो हो गया एसएसबी के बराबर में। और बट इसमें इश्यू क्या होती है? इश्यू यह होता है कि इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ आइडियल फिल्टर, जो कि पॉसिबल नहीं होता, उसीलिए हम वीएसबी यानी वेस्टिजियल साइड बैंड में जाते हैं। तो यहां कंप्लीट होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सेक्शन, एनालॉग मॉड्यूलेशन का,
दो पार्ट होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है एंगल मॉड्यूलेशन, और तीसरे पार्ट में हम आपके रिसीवर्स वगैरह की बातें करेंगे। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सेक्शन होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा दो और टॉपिक हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, मगर वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ही आते हैं। कौन से टॉपिक? सबसे इंपॉर्टेंट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी तक कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हम SSB SC में लेते हैं 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए, मगर कैसे वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है और होता क्या है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, यह मैंने नहीं बताया, और यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक्चुअली होता क्या है और कैसे यह 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हमारे सिग्नल को देता है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बराबर में। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक्चुअली करेगा क्या कि मान लो हमारे इनपुट पे XT है और एक मैं ब्लॉक में दे रहा हूं और इस ब्लॉक का नाम मैं बोल रहा हूं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर। तो इसका जो आउटपुट आता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स हैट ऑफ टी। एक्स के ऊपर में एक कैप लगा देते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स हैट ऑफ टी। और ये जो एक्स हैट ऑफ टी होता है ये किसके बराबर होता है? तो जो इनपुट होता है XT इसको हम कन्वोल्यूट करते हैं 1/πt से। यानी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है HT जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो होता है 1/πt के बराबर। यानी अगर आपके इनपुट पे कोई सिग्नल आएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा? अगर आपके इनपुट पे कोई सिग्नल आ रहा है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर के इनपुट पे, तो जो आउटपुट होगा वो उस सिग्नल को 1/πt से कन्वोल्यूट कर देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो ये तो हो गया टाइम डोमेन की बात। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है? अब देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक बात तो पक्का होगा कि 1/πt का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको आता होगा। 1/πt का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो जाके रिवाइज कर लें, वो होता है -J sgn ω के बराबर। इसीलिए इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। -J sgn ω। अब सिग्नम ओमेगा क्या होता है? सिग्नम ओमेगा आपका एक सिग्नम फंक्शन, यानी अगर ओमेगा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो +1, ओमेगा की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1। ये हो गया हमारा सिग्नम ओमेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -J से। तो हमारा किस तरीके का बन गया स्पेक्ट्रम? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म अगर मैं प्लॉट करूं तो आपका पॉजिटिव में निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे -J हो जाएगा क्योंकि -J से सिग्नम ओमेगा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और निगेटिव फ्रीक्वेंसी को ये +J से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये हो जाएगा आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बेसिकली, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, दो काम करता है। एक, अगर आप टाइम डोमेन की बात करो तो जो मैसेज, जो इनपुट पे आप सिग्नल दोगे उसको 1/πt से कन्वॉल्व कर देता है। दूसरा, अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करोगे तो जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उसको -J से मल्टीप्लाई कर देता है, और जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको +J से मल्टीप्लाई कर देता है। बस इतना कहेंगे। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि कन्वोल्यूशन इन वन डोमेन रिजल्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन इन अनदर डोमेन। तो अगर मैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लूं तो वो क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई -J sin ω, -J sgn ω। टाइम डोमेन में आपका कन्वोल्यूशन था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आउटपुट आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो अब इनपुट पे कुछ सिग्नल रख के देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आने वाला है। तो मान लो सबसे पहले इनपुट पे मैं रख देता हूं cos ωct। इनपुट पे मैंने रख दिया आपका cos ωct, और इसको मैं एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से पास करना चाहता हूं। तो आउटपुट क्या आएगा जरा सोचिए। इनपुट पे मैंने cos ωct दिया है। अभी अगर मैं इसको स्पेक्ट्रम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूं तो
कॉस ओमेगा सी टी का स्पेक्ट्रम कैसा बनता है? हाँ कुछ इस तरीके का बनता है, एक प्लस एफ सी पे और माइनस एफ सी पे इंपल्स आते हैं, और कुछ तो होता नहीं है। अब इसको मैंने एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से पास किया। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करने वाला है? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, जैसा मैंने यहां बताया, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस जे से मल्टीप्लाई कर देगा और जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हाफ डेल्टा एफ, यहां पे हो गया तो एफ माइनस एफ सी प्लस हाफ डेल्टा, एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है इसीलिए हाफ एफ प्लस एफ सी, ठीक है। और इसको मैं एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से पास करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है यानी इस वाले पार्ट को, वो किससे मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस जे से, और नेगेटिव वाले को मल्टीप्लाई कर देगा प्लस जे से। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा माइनस जे बाई टू डेल्टा एफ माइनस एफ सी प्लस जे बाई टू डेल्टा एफ प्लस एफ सी। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान दीजिए, नेगेटिव को प्लस जे से कर रहे हैं, पॉजिटिव को माइनस जे से, तो वही किया है। ये आपका पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो पॉजिटिव को माइनस जे से किया और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर आप ध्यान दो तो ये सिग्नल कुछ जाना पहचाना आपको लग जाएगा। इसको मैं जे को अगर मैं ऊपर नीचे प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो जे स्क्वायर माइनस वन, दैट इज वन बाई टू जे डेल्टा एफ माइनस एफ सी माइनस वन बाई टू जे डेल्टा एफ प्लस एफ सी के बराबर हो गया। यानी ये और कुछ नहीं आपका साइन ओमेगा सी टी का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ध्यान दीजिए, साइन ओमेगा सी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? साइन ओमेगा सी टी का भी अगर मैं आपका स्पेक्ट्रम प्लॉट करूं तो स्पेक्ट्रम तो कुछ ऐसा ही होता है ना, आपका जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उस पे पॉजिटिव और जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें नेगेटिव पे आपका दिख जाता है। वही देखो साइन ओमेगा सी टी का वन बाई टू जे डेल्टा एफ माइनस एफ सी, जे तो आपका एंगल दिखाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, एफ सी पे अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव और माइनस एफ सी पे मैं देखूँ क्योंकि एफ प्लस एफ सी है तो शिफ्ट लेफ्ट साइड हो जाएगा, माइनस एफ सी पे देखूँ तो नेगेटिव आपका नेगेटिव साइड में स्पेक्ट्रम दिखता है और ये आपका साइन ओमेगा सी टी का स्पेक्ट्रम होता है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे ही मैंने कॉस ओमेगा सी टी को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से पास किया तो जो हमारा आउटपुट आया वो हो जाएगा साइन ओमेगा सी टी के बराबर, ठीक है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, तो उसको मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक जगह कर दूंगा। सिमिलरली अगर मैं साइन ओमेगा सी टी को पास करूंगा, अगर मैं साइन ओमेगा सी टी को पास करूंगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो कॉस ओमेगा सी टी तो आएगा ही आएगा, आगे में माइनस भी लग जाएगा। आप देखना कॉस ओमेगा सी टी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप बस यही जो मैंने फॉलो किया है प्रोसेस, यही प्रोसेस फॉलो करके देख लो कि अगर आप साइन ओमेगा सी टी को एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से पास कर रहे हो, यानी साइन ओमेगा सी टी को पहले लिख लो वन बाई टू जे डेल्टा एफ माइनस एफ सी माइनस वन बाई टू जे डेल्टा एफ प्लस एफ सी, और उसके बाद पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को माइनस जे से और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस जे से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आप देखोगे आपका आउटपुट माइनस कॉस ओमेगा सी टी आया, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप देखो तो कुछ नहीं हो रहा। कॉस ओमेगा सी टी को अगर मैं 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दूं, माइनस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दूं, तो वो आपका साइन ओमेगा सी टी बनेगा। सिमिलरली साइन ओमेगा सी टी को भी मैं माइनस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दूं, यानी साइन ओमेगा सी टी माइनस 90 डिग्री, तो वो आपका माइनस कॉस ओमेगा सी टी बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट अ 90 डिग्री फेज शिफ्टर। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आपका एक 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। अब इसको याद रखने का इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, मगर ध्यान दीजिएगा यह जो तरीका बता रहा हूं यह सिर्फ साइनोसॉइडल सिग्नल के केस में काम करेगा, बाकी कभी काम नहीं करेगा। कैसे याद रखना है,
इनपुट पे अगर आपका साइनसॉइड है यानी कॉस और साइन है तो आउटपुट सिंपली उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, ये याद रखने का तरीका है, एक्चुअली में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेट नहीं करता, एक्चुअली में वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, मगर क्योंकि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए इंटीग्रेशन के बराबर हो जाता है, इसीलिए यहां याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर अगर आपको इनपुट दिया हुआ है और इनपुट पे साइनोसॉइडल सिग्नल है तो आपको सिंपली उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस थीटा। अब मान लो मैं इनपुट पे आपको एम टी कॉस ओमेगा सी टी दे देता हूं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर के इनपुट पे, तो क्या हो जाएगा आउटपुट? आप फिर से एनालिसिस करके देख लो, जिसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, यहां आप शॉर्टकट से भी सिर्फ काम चला सकते हो। जो एम टी है वो एज इट इज रह जाएगा और जो कॉस ओमेगा सी टी है उसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, यानी आपका आउटपुट एम टी साइन ओमेगा सी टी आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को इनपुट पे एम टी साइन ओमेगा सी टी दिया, अब मैं एम टी कॉस ओमेगा सी टी और एम टी साइन ओमेगा सी टी को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि ये हमारे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल है, इनका तो हम कई बार यूज करते हैं इसीलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो किसी भी मैसेज सिग्नल को अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। तो ये जो मैंने इस पेज पे लिखा है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि इसके बेसिस पे एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा बस ध्यान रखना है, ज्यादा सोचिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। जितना आपको पढ़ना है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में उतना मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, बस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर इनपुट पे साइनसॉइडल सिग्नल हो, कॉस ओमेगा सी टी हो या साइन ओमेगा सी टी हो, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होगा वो सिंपली उसका इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। और अगर एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी हो गया, यानी मैसेज सिग्नल को मैंने कॉस ओमेगा सी टी यानी एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनपुट पे दिया गया है, तो आउटपुट पे एम टी को एज इट इज छोड़ दो और कॉस ओमेगा सी टी या साइन ओमेगा सी टी को इंटीग्रेट कर दो। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आज का और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बाद ही डिजाइन होता है, यानी पहले आपको हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, उसके बाद ही आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ पाओगे, और वो कॉन्सेप्ट होता है आपका कॉम्प्लेक्स एनवेलप का। तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप का फॉर्मूला सिंपल सा मैं लिख देता हूं और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन करा देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और x ऑफ t का आपको पूछ रहा है कि मेरे को कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकाल के दो, तो उसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप बहुत सिंपली आप निकाल सकते हो। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करके दो आप उनको, और वो ऑपरेशन होना चाहिए एक्स टी प्लस जे टाइम्स एक्स कैप ऑफ t, यानी एक्स टी प्लस जे टाइम्स हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, ये दोनों एक्स सेम ही टाइप के हैं, एक्स टी प्लस जे टाइम्स एक्स कैप ऑफ t होल मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो किसी कॉम्प्लेक्स टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी, बस ये आपको करना है। तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप आप कब निकाल पाओगे? कॉम्प्लेक्स एनवेलप आप तभी निकाल पाओगे अगर आपको हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालने आता है। तो करना क्या है, जो आपका इनपुट पे सिग्नल है उसको उसके हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से ऐड करना है जे के साथ मल्टीप्लाई करके, और टोटल को e टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर देना है और निकल जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स एनवेलप काफी आसानी से, इसके अलावा कुछ करना नहीं है आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। मान लिया एक्स टी आपका गिवन है एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, और पूछा गया है इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकालने को, तो कैसे निकालूंगा मैं? मेरे को सबसे पहले एक्स टी तो पता चल गया, एक्स कैप टी निकालना पड़ेगा, तो एक्स कैप टी यानी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना तो अभी आपको सिखाया। क्या करना है, जब भी इनपुट पे साइनसॉइड है तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी मल्टीप्लाइड में सिग्नल है एम टी उसको एज इट इज रख देना है, और कॉस ओमेगा सी टी का मेरे को इंटीग्रेशन कर देना था यानी साइन ओमेगा सी टी, तो मेरे को एक्स कैप टी भी पता चल गया। अब इन दोनों को उठा के, यानी एक्स कैप टी को उठा के
और एक्स टी को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स एनवेलप क्या हो जाएगा, जरा सोचो, एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी प्लस जे टाइम्स एम कैप टी, जे जे टाइम्स एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। तो एम टी कॉमन ले सकते हैं, एम टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस जे टाइम्स साइन ओमेगा सी टी होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। अब एक चीज़ तो आपने पढ़ा होगा यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम बोलता है ई टू द पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब अगर मैं अपना ऊपर वाला पार्ट देखूं और ओमेगा सी टी को थीटा मान लूं, तो ये कुछ यूलर्स थ्योरम के फॉर्म का है क्या? बिल्कुल है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, कंप्लीट इक्वेशन को, एम टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी, थीटा की वैल्यू आपकी ओमेगा सी टी है, इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। अब e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर b इज इक्वल टू पावर a प्लस b, तो e टू पावर j ओमेगा सी टी माइनस e टू पावर j ओमेगा सी टी दैट इज e टू द पावर 0, तो जो आउटपुट आया वो आपका mt आया। यानी अगर इनपुट पे मैं mt cos ओमेगा सी टी देता तो हमारा कॉम्प्लेक्स इनवेलप जो उसका होता वो सिंपल हमारा मैसेज सिग्नल m ऑफ t आ जाता, और कुछ नहीं, सिंपल हमारा मैसेज सिग्नल m ऑफ t के बराबर आता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनवेलप का, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। मान लो इनपुट पे एम टी कॉस ओमेगा सी टी न देके मैं आपको एम टी साइन ओमेगा सी टी देता हूं, ये हमारा एक्स ऑफ टी है, माई एक्स ऑफ टी इज राइट नाउ एम टी साइन ओमेगा सी टी, और इसका मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड द कॉम्प्लेक्स एनवेलप, इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकाल के बताइए कि इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप क्या होगा। तो कैसे निकालोगे आप ये बताओ, मैं बोलूंगा एक्स टी तो आपने बता दिया, चलिए एक्स कैप टी बता दीजिए क्या होगा। एक्स कैप टी के लिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एम टी को एज इट इज रख देना है और साइन ओमेगा सी टी को ओमेगा सी टी के टर्म में मेरे को इंटीग्रेट कर देना है। तो साइन थीटा का हम जानते हैं इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा सी टी, एक्स कैप टी पता चल गया। अब जो कॉम्प्लेक्स इन्वेलप होता है उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, एक्स टी प्लस जे टाइम्स एक्स कैप टी, यानी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को जे से मल्टीप्लाई करके मैसेज सिग्नल के साथ ही ऐड कर देना है इनपुट के साथ, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो एक कॉम्प्लेक्स टर्म से तो मल्टीप्लाई करना बनता है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं यह ऑपरेशन करने चलूँ तो एक्स टी हमारा हो गया एम टी साइन ओमेगा सी टी, एम टी साइन ओमेगा, और एक्स कैप टी हमारा हो गया माइनस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो यहां से मैं एम टी तो साफ साफ कॉमन ले सकता हूं, तो एम टी अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा सी टी माइनस जे भी तो है यहां पे, जे एक्स कैप टी ना, इसलिए माइनस जे यहां कॉस ओमेगा सी टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। अब यूलर्स थ्योरम लगाने के लिए, यूलर थ्योरम क्या था फिर से बता रहा हूं, e टू द पावर j थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। ये जो j टर्म है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहां पे मैं देख रहा हूं j टर्म आपका कॉस के साथ मल्टीप्लाई है, यानी क्या करूं माइनस j मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस वन हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं माइनस j से डिवाइड कर दे रहा हूं, माइनस j से दोनों साइड को डिवाइड कर दे रहा हूं, और यहां माइनस j मैं कॉमन ले लेता हूं, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा माइनस जे एम ऑफ टी, यहां माइनस माइनस जे जे कैंसिल, तो इधर से आ गया कॉस ओमेगा सी टी, माइनस जे ऊपर जाएगा तो प्लस जे हो जाता है, तो प्लस जे साइन ओमेगा सी टी होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस जे एम ऑफ टी ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। अब ई टू पावर जे ओमेगा सी टी इंटू पावर माइनस जे ओमेगा सी टी फिर से ई टू पावर जीरो यानी वन, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मेरा जो कॉम्प्लेक्स एनवेलप का आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस जे टाइम्स एम ऑफ टी के बराबर। जो आउटपुट आ गया
इस बार सिर्फ एम टी न होते हुए माइनस जे टाइम्स एम ऑफ टी के बराबर आया है। पिछले बार जब हमने कॉस लिया था तो हमारा आउटपुट आपका सिर्फ एम ऑफ टी के बराबर आया था। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स इन्वेलप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में आपसे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स इन्वेलप और एसएसबी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल मिला के आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले गेट को एग्ज़ाम में, इन 7 क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। चलिए तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।